अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे, ऐसे खुश और हैप्पी रहें। ओके, तो इतने दिनों से मैं व्लॉग इसलिए नहीं थी बना रही क्योंकि स्कूल में बहुत काम था। हमारा मंथली टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद जो लिटरेचर वीक उर्दू का, देन इंग्लिश का लिटरेचर वीक स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए बहुत बहुत बिज़ी थी मैं इस मंथ, तो बहुत ही बिज़ी थी। तो यहाँ आज हमने बाहर से ही ब्रेकफास्ट किया था। पहले तो हम आलू वाले जो पराठे होते हैं वो लेने गए थे, लेकिन वहाँ से नहीं मिले हमें, तो हमने कहा ये चिकन सैंडविच रोल है तो वो खा लेते हैं। तो आज हम जा रहे हैं एमिरेट्स पैलेस। एमिरेट्स पैलेस जो है वो एक महल है उर्दू में, और यहाँ विज़िटर्स के लिए ये फ्री है, लेकिन वहाँ जो रिज़ॉर्ट है ये एक टाइप का, मीटिंग्स वगैरह सब कुछ यहीं होता है, और इसमें फ्री टिकट है, आपको कुछ देना नहीं पड़ता, ये बिल्कुल फ्री है। और जब मैं 2014 में जब मैं छोटी सी थी तब भी मैं यहाँ आई थी, तो आप बाबा कह रहे थे कि हम वहाँ जाते हैं व्लॉग शूट करते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, आप जैसे देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लिफ्ट लेके फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, और यहाँ की तो डस्टबिन भी इतनी प्यारी थी, और मैं जब छोटी थी तब मैं आई थी लेकिन तब इतना याद नहीं है, लेकिन अब इतना प्यारा था ये, बहुत 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 प्यारा था। ये रही इसकी एंट्रेंस, और एंट्रेंस भी इतनी प्यारी थी, और ये वाकई में एक बहुत प्यारा महल था, और बहुत 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 प्यारा, और इसमें कई ब्रांड्स की भी थी शॉप, कोई रेस्टोरेंट टाइप भी थी, बहुत ज़्यादा सिटिंग एरियाज थे, और बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। और बहुत से ज्वेलरी शॉप्स भी थी, लाइक डायमंड एंड गोल्ड की शॉप्स जो होती हैं, और यहाँ परफ्यूम्स की भी बहुत शॉप्स थी, और बहुत, और इसके अंदर जो फ्लावर्स पड़े हुए थे ना वो सारे रियल थे, आई मीन फेक फ्लावर्स जो होते हैं वो नहीं थे, बिल्कुल रियल वाले फ्लावर्स थे। ये वॉशरूम है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, और यहाँ अब बिल्कुल हम सेंटर में आ गए हैं, और इसकी बहुत प्यारा था, ये रहा सिटिंग एरिया, और वो आपको फ्लावर नज़र आ रहे होंगे, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल हैं, रियल वाले फ्लावर्स हैं। इसमें ये है कि आप सारा नहीं घूम सकते, कुछ स्पेसिफिक एरियाज उन्होंने सिर्फ विजिटर्स के लिए रखे हुए हैं, बकाया में तो जो उनके गेस्ट होते हैं तो वो होते हैं, आई मीन जो अरबिक होते हैं ना, वो उनको अपना फेस कैमरे के सामने आना, और उनकी जो लड़कियां होती हैं उनको भी कैमरे के आगे आना नहीं पसंद होता, तो इसलिए जो उनके लिए प्राइवेसी, इसलिए सब गेस्ट के लिए प्राइवेसी होती है, तो वहाँ नहीं हम जा सकते। बकाया जो लाइक लाउंज वगैरह होता है वहाँ तो हम जाके देख सकते हैं, और यहाँ शायद पीछे कोई मीटिंग हो रही थी जिसकी वजह से उन्होंने सारी जो लिफ्ट और दूसरी जो होती है ना एलिवेटर्स और ये वो सब कुछ बंद किया हुआ था, नीचे शायद कोई मीटिंग हो रही थी, और नीचे आपको स्विमिंग पूल भी नज़र आ रहा होगा, और ये बहुत प्यारा था, लाइक मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मूवी का होता है ना पूरा महल, वो वैसे वाला लग रहा था। ये बाहर का एरिया है, और मैंने फ़र्स्ट टाइम सिनेमैटिक शॉट्स ट्राई किए हैं, वरना मैं वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, इस दफ़ा मैंने दो तीन सिनेमैटिक शॉट्स भी लिए हैं,
और मेरी आवाज़ आपको शायद वॉइस ओवर में लग रहा है या नहीं लग रहा है, मेरी आवाज़ नहीं ठीक, मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, लाइक फ्लू हो रहा था और कफ वगैरह सब कुछ हो रहा था, तो मेडिसिन मैंने ली, मैंने स्कूल से छुट्टियाँ भी की, लेकिन फिर भी अभी ठीक नहीं हो रही। चलो अल्लाह हेल्प करे ठीक हो जाए। और यहाँ मैंने बताया ना डायमंड की सब वो प्रमोशंस वगैरह के लिए चीज़ें रखी हुई हैं, शॉप्स भी हैं अंदर, लेकिन यहाँ बहुत खूबसूरत, इतने प्यारा से दिल नहीं था कर रहा यहाँ से जाने का। एंड देन ये है बाहर का एरिया, बिल्कुल लॉबी है शायद और उसके बाहर का ये एरिया है, और यहाँ बहुत, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ वो भी सिनेमेटिक शॉट्स में। यहाँ मेरी एक हाथ से दरवाज़ा खोलने की स्ट्रगल चल रही है, और वो डोर बहुत वज़नी था तो इसलिए मुझसे नहीं खुल रहा था। मामा बाबा और छोटी मामा तो पहले ही चले गए थे ना, क्योंकि वो कह रहे थे तुम वीडियो शूट कर लो और बाद में आ जाना। ये वॉल इतनी प्यारी थी, इतनी शाइन कर रही थी, और मुझे अब इतना अफसोस हो रहा है कि मैंने इसका सिनेमेटिक शॉट क्यों नहीं लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम चलो ले लेंगे। ओके, तो ये कुछ शॉप है, आई मीन ब्रांड है, वो आ रहा है और कमिंग सून उन्होंने लिखा हुआ है, और ये हम जा रहे हैं नीचे। और ये इतना बड़ा कारपेट था, पूरी वॉल पे लगा हुआ था और इसके ऊपर एम्बर्स पैलेस का पूरा बना हुआ था, और ये इतना प्यारा लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक कारपेट पे सारा बना हुआ था। और ये दो कारपेट थे, एक तरफ ये लगा हुआ था एंड दूसरी तरफ भी कारपेट लगा हुआ था, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ अगर मैं दूसरी साइड पर गई तो। यहाँ एक और बहुत बड़ा ग्लास लगा हुआ था जिसमें से बाहर का व्यू बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, और यहाँ करीबी एक और पैलेस भी है, बाबा कह रहे थे शायद नेक्स्ट टाइम हम उस पैलेस में जाएं, देखते हैं, फाइनल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं वहाँ भी जाऊँगी इंशाल्लाह और व्लॉग शूट करूँगी। और यहाँ एक चाइनीज़ कुछ कल्चर को प्रेजेंट शायद करके, पता नहीं उन्होंने कुछ बनाया हुआ था, लेकिन वो हाउस टाइप था और वो बहुत प्यारा लग रहा था, उसके ऊपर चाइनीज़ भी लिखी हुई थी। और ये रही एक और सिटिंग एरिया या फिर लॉबी, और ये भी बहुत खूबसूरत थी, और ये जो फ्लावर्स थे ये रियल थे, यहाँ हर फ्लावर रियल थे। और ये रही, ये बहुत खूबसूरत था, और ये देख कैसे लग रहा था जैसे कोई ड्रीमी कोई प्लेस होती है ना ड्रीमी, तो ये वैसे लग रही थी, लेकिन ये बहुत बहुत खूबसूरत था। और इसके कारपेट भी बहुत प्यारे थे, लाइक बहुत प्यारे थे, ऊपर चलने का मज़ा आ रहा था, मैंने कुछ हील डाली हुई थी लेकिन मुझे ज़रा भी थकन नहीं हुई कारपेट पे चलने से। और ये रही लिफ्ट, जो अंदर लिफ्ट थी ना वो बहुत प्यारी थी, लेकिन मतलब जो एंट्रेंस में थी ना वो ऐसी नहीं थी, लेकिन ये तो बहुत प्यारी थी, इसके अंदर ऊपर अंदर कारपेट था लिफ्ट के अंदर, और ये बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। और ये अंदर सैनिटाइज़र नमल लगा रही है, और देन मैंने भी सैनिटाइज़र लिया है, और अब हम जा रहे हैं उसी वाली सेम प्लेस पे, और मैं आपको दूसरा वाला कारपेट दिखा रही हूँ। पहले हम नीचे से आए हैं पूरा देख के, अब ये ऊपर वाला मैं सेकंड वाला जो कारपेट है मैं आपको वो दिखा देती हूँ, और ये बहुत प्यारा है, बहुत, दोनों ही बहुत प्यारे थे। और ये पूरा कारपेट था, और जो इस साइड पे ना अभी कुछ काम चल रहा था तो नीचे अंकल सब काम कर रहे थे, और यहाँ गरम मसाले जो थे ना वो पड़े हुए थे। देन हम इस वाली लॉबी में आ जाते हैं, तो ये बहुत प्यारी थी, इस पर मैंने बहुत पिक्चर बनाई और नवल ने भी बहुत बनाई, और इसके अंदर जो पेंटिंग्स थी वो बहुत प्यारी थी। ये बाहर की वीडियो है, और मुझे नहीं पता ये इतना येलो येलो क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ तो गोल्डन था सारा, और ये पता नहीं क्यों इतना यहाँ येलो येलो आ रहा है। और यही था आज का व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।